दोस्तों सब्सक्राइब करो टेक्निकल यू को और लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए इस बेल आइकन को दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल यू में। मैं योगेश। आज इस वीडियो में हम यहाँ पर देखने वाले हैं यहाँ पर जियो की तरफ से जो कॉलर ट्यून फीचर मिलता था वो यहाँ पर थोड़ा सा उसमें चेंजेस आ चुके हैं। आपको किस तरीके से कॉलर ट्यून चेंज करना है और यहाँ पर जो एप्लीकेशन था वो भी थोड़ा सा चेंज हो चुका है और किस तरीके से आपको डीएक्टिवेट करना है, या तो चेंज करना है या तो एक्टिवेट करना है कॉलर ट्यून, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए हम करते हैं। फर्स्ट थिंग तो मैं आपको बता दूं, यहां पर जो जियो का एप्लीकेशन था ऑलरेडी जो पहले मिलता था जो कि जियो म्यूजिक नाम से था, बट यहां पर जियो म्यूजिक यहां पर जियो ने स्टॉप कर दिया, यानी कि स्टॉप नहीं कर दिया है, जियो और सावन का यहां पर मर्ज कर दिया है। तो यहां पर जियो सावन म्यूजिक एंड रेडियोज एक एप्लीकेशन जो कि मर्ज कर दिया है दोनों का और यहां पर एक मर्जर एप्लीकेशन बना दिया है जियो सावन। अगर आप चेंज करना चाहते हैं या तो डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो आपको यह एप्लीकेशन की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर जियो सावन को आपने इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद में आपको क्या करना है, आपके ऑलरेडी जो चल रही थी रिंगटोन तो उसे आपको अगर चेंज करना है, जो कि कॉलर ट्यून जो ऑलरेडी है उसे अगर चेंज करना है आपको, तो यहाँ पर आना होगा। जैसे आप जियो सावन ओपन कर देते हैं तो आपके होम पेज पे कुछ इस टाइप का प्लेटफॉर्म शो करेगा, उसके बाद में आपको जाना है यहाँ पर ये मेनू में जैसे ही जाते हैं आप तो यहाँ पर आपके जो जियो का सिम होगा उससे ऑटोमेटिकली लॉगिंग करना है, या तो आपको इस एक्टिवेट प्रो पर क्लिक करना होगा। जैसे आप कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली जियो का सिम डिटेक्ट कर लेगा और ऑटोमेटिकली साइन इन हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही साइन इन हो जाता है उसके बाद में जो भी आप सॉन्ग सिलेक्ट करना चाहते हो या तो जो भी सॉन्ग आप प्ले करना चाहते हैं उसके लिए आपको क्या करना होगा, सपोज जो भी आप कॉलर ट्यून लगाना चाहते हैं, सपोज ये कॉलर ट्यून लगाना चाहता हूँ मैं जीरो वाला, तो उसे बस आपको यहाँ पर आने के बाद जैसे आप उस सॉन्ग को प्ले कर देते हैं उसके बाद में मेरे नाम टू सपोज इस पर क्लिक करना है। जैसे ही कर देते हैं उसके बाद में सेट एज अ जियो ट्यून यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप सेट एज जियो ट्यून पर क्लिक कर देते हैं उसके बाद में आपकी कॉलर ट्यून सक्सेसफुली सेट कर देगा, ठीक है। सेट एज जियो ट्यून पर अगर आपने क्लिक कर दिया उसके बाद में एक बार आपको प्ले करने का चांस मिलता है, यहाँ से आप प्ले करके देख सकते हैं कि आपकी कॉलर ट्यून में क्या आने वाला है, ठीक है। उसके बाद में सेट जियो ट्यून जैसे कर देते हैं आप उसके बाद में यहाँ पर देखिए यू आर जियो ट्यून इज ऑलरेडी, यहाँ पर मेरा ऑलरेडी ये रिंगटोन चल रहा है इसलिए ये शो कर रहा है कि यू आर ऑलरेडी सिलेक्टेड दिस रिंगटोन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सेव तो कर ली, उसके बाद में सपोज ये दूसरा वाला है इसे लेना चाहता हूँ मैं, तो यहाँ पर सिंपली सेट एज जियो ट्यून पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद में आपकी जियो ट्यून सेट हो जाएगी। तो उसके बाद में सेट तो आपने कर ली, उसके बाद में अगर आपके मन में ख्याल आता है कि आपको डीएक्टिवेट करना है तो आपको डीएक्टिवेट किस तरीके से करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट थिंग तो आप ये बात समझ गए होंगे कि बस आपको जियो साउंड म्यूजिक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, उसके बाद में एक्टिवेट प्रो यानी कि यहाँ से आपको एक बार लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन कर लेते हैं उसके बाद में आपको यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं, जो भी आप सॉन्ग प्ले करोगे उसके ऊपर जाना है और सेट एज जियो ट्यून पर क्लिक करना है, डायरेक्टली आपका जो भी कॉलर ट्यून होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए डीएक्टिवेट किस तरीके से करते हैं। डीएक्टिवेट के लिए जो भी आपका मैसेज का एप्लीकेशन होगा उसे आपको ओपन करना है, जो भी आपके जो ऑटोमेटिक आपके मोबाइल में होता है उस पर ओपन करना है, ठीक है। जस्ट हमने यहाँ पर मैसेज टाइप करना है एक जो कि 56789, ठीक है 56789, उसके बाद में आपको इस नंबर पर एक एसएमएस सेंड करना है स्टॉप, और यहाँ पर स्टॉप पर ये बातें खत्म नहीं हो जाती है, आपको स्टॉप सेंड करना है, उसके बाद में एक रिप्लाई आता है उसे भी सेंड करना है सपोज, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा नंबर है 56789, ठीक है, और जियो के सिम से ही सेंड करना है। तो ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर सेंड कर देता हूँ तो यहाँ पर देखिए मैसेज नॉट सेंड हो रहा है, तो उसके बाद में यहाँ पर देखिए यू हैव रिसीव्ड योर रिक्वेस्ट डीएक्टिवेट जियो सर्विस कन्फर्म डीएक्टिवेट वन। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आप अगर कन्फर्म करना चाहते हैं आपकी जियो ट्यून डीएक्टिवेट करना चाहते हो तो रिप्लाई दीजिए वन। तो यहाँ पर अगर आप कन्फर्म डीएक्टिवेट करना चाहते हो सिंपली इस पर क्लिक कर दीजिए, उसके बाद में वो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सेंड कर दिया वन, उसके बाद में यहाँ पर मेरा मैसेज सेंड नहीं हो रहा है, इसमें कुछ तो दिक्कत है मेरे फोन में, चाहे कोई भी एसएमएस अगर सेंड करता हो तो इसी टाइप का एरर शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा एसएमएस जा चुका है, उसके बाद में यहाँ पर देखिए जियो ट्यून सर्विसेज हैज़ बीन डीएक्टिवेटेड ऑन योर नंबर। तो यहाँ पर देखिए ये बोल रहा है कि आपकी जियो ट्यून सक्सेसफुली डीएक्टिवेट हो गई है। अगर फिर से अगर आप एक्टिवेट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर जे उसके बाद में टी टाइप करना है और सेंड कर देना है उसी नंबर पे। जैसे आप सेंड कर देते हैं उसके बाद में फिर से ये आपकी जियो ट्यून एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये पूछ रहा है कि आप कौन सी रिंगटोन यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर जे टी भी नहीं डाला, आपने डायरेक्टली साउंड ऐप में गए और वहाँ से भी अगर एक्टिवेट करना चाहते हैं सपोज यहाँ पर मेरे नाम तू उसके बाद में सेट, ठीक है,
यहाँ पर बस सेट सेट पर आपको क्लिक करना है, सेट एज जियोट्यून। यहाँ पर देखिए योर जियोट्यून हैज़ बीन सक्सेसफुली सेट ऑन योर नंबर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं, बस डीएक्टिवेट करने के लिए आपको मैसेज सेंड करना है, ठीक है। और मैसेज आपने तो देख लिया स्टॉप, उसके बाद में रिप्लाई में वन सेंड करना है, आपकी जियो ट्यून सक्सेसफुली डीएक्टिवेट हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके का प्रोसेस था दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो गया था, इसलिए थोड़े से कमेंट भी आ रहे थे किस तरीके से चेंज करें, जियो म्यूजिक तो बंद हो गया, आप किस तरीके से चेंज करना है। तो कुछ ये जियो सावन एप्लीकेशन का आप यूज़ करके चेंज कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, कुछ इस तरीके की ये छोटी सी वीडियो थी, इसके बारे में अगर और भी कुछ जानकारी चाहती तो प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।